तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका जो रबड़ है, बहुत देखा है, सर्च किया है और एक्यूरेट किसी के जवाब नहीं दिया है कि जो ये रबड़ है कुकर का, ये ढीला हो जाता है, ये वाला, तो इसे हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसे रिपेयर एक बार नहीं किया जा सकता जब ये ढीला हो जाता है, तो इसे हम, अगर आपको प्रॉब्लम से सीटी नहीं आ रही, इसकी वजह से इधर से आपका जो गैस है वो निकल जाता है, तो उसके लिए आप घरेलू डी जुगाड़ करके कुछ दिनों तक इसे यूज कर सकते हैं, लाइफ टाइम तक भी यूज कर सकते हैं। बस मैं वो आपको तरीका बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, और जब भी फिर आपको वो कभी ले तो आप ये रबड़ लेकर इसे सही कर सकते, नया डाल सकते हैं, नया ले सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ढीला रबड़ हो गया और सीटी नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे लगाना होगा यहाँ पर, और हमने इसे यूज किया और आप रबड़ देख रहे हो ढीला है, यहाँ से हवा गैस है जो वो निकल रही है, आपकी निकल रही है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ से ये जो प्रेस ढक्कन लगाते हैं इसको, तो आपको एक सेटिंग करनी होगी, एक चम्मच लेना होगा, ये वाला, ये चम्मच लिया आपने, आप यहाँ पर लगाइए इस चम्मच को ऐसे, और फिर आप इसे बंद कर दीजिए कुछ ऐसा, तो यहाँ पर आप देखिएगा जब टाइट हो जाएगा तो आपकी गैस इसमें कुकर में रुक जाएगी और आपका जो खाना है वो बनकर तैयार हो जाएगा, और फिर आप इसे निकाल भी सकते हैं, जैसे ही आपका, जैसे आप निकालते हैं इसे निकाल भी सकते हैं, जैसे आपका गैस बन गया, तैयार हो गया, तो इसे आप निकाल भी सकते हैं। तो देख लीजिए, चेक करके इस तरीके से आप गैस का जो खाना अपना बना सकते हैं आराम से इस तरीके से। तो ऐसे ही घरेलू टिप्स अपनाए, अगर आप घरेलू में फंस जाते हैं, आपको प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार होता है क्या, तो मैं ऐसे ही घरेलू टिप्स आपको बताता रहूँगा जिससे आप रिपेयर कर सकते हैं जुगाड़ लगाकर इस तरीके के, जो कि बिना सामान से होता है इस तरीके के, और इससे रिलेटेड घर के जो जुगाड़ होते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें, इस तरीके आप कर सकते हैं, वैसे रबड़ को रिपेयर नहीं कर सकते आप।